मुझे हवा में उड़ने वाली चीज़ें देखने का और उनके साथ उड़ने का बहुत शौक है। यकीनन आप लोगों को भी होगा। मैं अक्सर आसमान पे उड़ते हुए जहाज देखकर सोचती थी, इतने बड़े बड़े जहाज घंटों आसमान पर कैसे उड़ते हैं। फिर मैंने उनके बारे में पढ़ा और मुझे दो भाइयों की स्टोरी पता चली जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अमेरिका में रहने वाले मिल्टन राइट के सात बेटे थे, जिसमें से ऑर्विल और विल्बर राइट दो बेटे थे और ये दोनों भाई हमेशा कुछ ना कुछ नया करने में और बनाने में मसरूफ रहते थे। एक दिन उनके वालिद ने उन्हें एक तोहफा लाके दिया और वो फौरन उस तोहफे को लेके खेलने लगे। वो तोहफा ज़मीन पर चलने के बजाय हवा में उड़ा था। ये देखकर राइट ब्रदर्स बहुत खुश हुए और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि काश हम भी इस खिलौने की तरह हवा में उड़ने लगें। इसी ख्वाहिश को दिल में लिए दोनों भाई मेहनत करने लगे। उन्होंने इसी मेहनत में कई ग्लाइडर्स बनाए जो हवा के ज़ोर से चलते थे, पर उन्हें कई दफ़ा नाकामी हुई और हर दफ़ा उनकी हवा में उड़ने की लगन बढ़ती गई। उन्होंने अपनी अकल का खूब इस्तेमाल किया और आखिरकार दिसंबर 1903 में उन्होंने कामयाबी हासिल की, जब एक मशीन से उड़ने वाला हवाई जहाज दुनिया में पहली दफ़ा तैयार हुआ। जी फ्रेंड्स, आपने देखा, अगर हम मेहनत करें तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो आपको इन्वेंशन ऑफ राइट ब्रदर्स के बारे में जान के कैसा लगा, मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।